हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं हूँ विशाखा। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, जी हाँ, जो कि मुझे सेंट बोटैनिका से मिला है। सो गाइस, ये बॉक्स है एंड चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो गाइज़, ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्या है, तो उसको देखने के लिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। और ये जो यू नो प्यारे, ये मुझे सेंट बोटैनिका से मिला है एंड आप सभी को पता होगा ये ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है गाइज। तो मुझे लगा, वैसे मुझे इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे खुद के पसंद के हैं, क्योंकि इससे मुझे एक वाउचर मिला था, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी पसंद के प्रोडक्ट इसमें मंगाए हुए हैं। एंड चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है, और इसको देखने के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, ताकि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या मंगाया है। सो गाइस, जैसे मुझे ये प्रोडक्ट मिला था, तो ये इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ही मुझे वीडियो बनाना था, तो मुझे लगा कि पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती थी इसके अंदर क्या है, तो मेरा एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ अनबॉक्सिंग करने में। हर बार मैं कुछ ना कुछ यू नो ऐसे अनबॉक्सिंग करती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती, तो मुझे लगता है अब से जो भी PR मुझे मिलेगा मैं उसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी वो एक्साइटेड लगे। और गाइज, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, अब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी कोई नया प्रोडक्ट मेरे पास आता है, कोई भी बॉक्स मुझे मिलता है, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है उसको ओपन करना। मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ कि उसको अनबॉक्सिंग मैं करूँ, तो हमेशा क्या होता है कि मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ, बिकॉज मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन मैं उसका ना अनबॉक्सिंग नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब से ना जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, तो मैं उसकी प्रॉपर एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगी, ताकि वो आप लोगों के लिए भी यू नो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहे और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं इसको अनबॉक्स करने से पहले बहुत बार सोचती हूँ कि क्या मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं जो भी मुझे यू नो ब्रांड ने बोला होता है वीडियो बनाने के लिए, तो उनका भी टाइम होता है पर्टिकुलर, उनको भी टाइम पे ही वो वीडियो देना पड़ता है, तो इसीलिए जो भी डिलीवरेबल्स होते हैं वो मुझे टाइम से पहले ही सबमिट करने होते हैं। तो इस कारण मैं फटाफट से इसको यू नो अनबॉक्स करके जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट है उसका वीडियो बना के मैं दे देती हूँ, क्योंकि उसको बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यू नो इसको एडिटिंग करना होता है एंड मैं वर्किंग हूँ, तो मैं एक साथ सारा काम नहीं कर सकती। मुझे प्रॉपर यू नो एक संडे का टाइम चाहिए होता है, जिसमें मैं प्रॉपर जो भी मेरे पास PR आए हैं उनको मैं अच्छे से उनका वीडियो बनाऊँ और क्रिएटिव मेरी वीडियो हो। उसके बाद मुझे ब्रांड को सबमिट करना होता है, तो पहले ही मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं इस तारीख से पहले तो ये नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास और भी ज़्यादा PR होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेरे इस बॉक्स में क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना, एंड इसको प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इसे ना आपको दिखा नहीं पाऊंगी कि मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा चाकू है। तो इस तरीके से है ये, और इसमें तो काफ़ी सारा सामान है, आप देख सकते हैं पूरा बाहर तक दिखाई दे रहा है। सो सबसे पहली जो चीज़ है इसमें है ये एलोवेरा एंड ग्रीन टी का कुकुम्बर फेस पैक, जो कि सेंट बोटैनिका का है गाइस। एंड चलिए पहले मैं इसको ही ओपन कर लेती हूँ। मैं आपको क्या बताऊं गाइस, मुझे इतना मज़ा आने लग गया ना इसको ओपन करते हुए। मैं इतना ज़्यादा यू नो एक्साइटेड रहती हूँ कि इसके अंदर क्या है, इसका कैसे, इसका जो बॉटल है या इसमें ट्यूब है या फिर जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सो गाइस, ये जो फेस पैक है ये सेंट बोटैनिका का है, एंड ये जो फेस पैक है वो स्मूथ ग्लोइंग और यंगर लुकिंग स्किन के लिए है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी पैराबिन, सिलिकॉन्स या मिनरल ऑयल्स नहीं है, एंड ये सूट फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम से गाइस, एंड ये 349 का आपको मिलेगा, एंड इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 12/23 है, और ये जनवरी का मैन्युफैक्चरिंग है। और गाइस, इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इसमें क्या क्या, इसमें किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो मुझे सबसे अच्छी ब्रांड की बात यही लगती है, जिस ब्रांड में यू नो सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, इसका मतलब वो ब्रांड आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है, आपको क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और सो गाइज, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि ये क्रुएल्टी फ्री है और ये 100% वेगन है,
इसमें ये जो प्रोडक्ट है ये प्योर एक्सट्रैक्ट से बना है, इसमें पैराबेंस नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें बोटानिकल एक्टिव्स हैं, इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, इसमें नेचुरल ऑयल है एंड प्योर ऑयल है, इसमें सिलिकॉन्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में अगर आप कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो आपके फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऐसे हम हर जगह सुनते हैं लेकिन कभी फॉलो नहीं करते हैं। तो गाइज अभी तो आप लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे ही आपकी एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, तो आपको तब पता चलता है कि हाँ मैंने उस टाइम से अपने फेस का केयर नहीं किया। इसीलिए अभी हम आपको हमेशा अपने फेस के लिए नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए। मैं तो होममेड फेस पैक में सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग होममेड फेस पैक नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ना ये थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है, टाइम नहीं होता, लोग बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको फेस पैक लगाना है, क्योंकि फेस पैक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फेस के लिए, क्योंकि हमारी स्किन इतनी डल हो जाती है और इसको एक प्रॉपर थोरली इसको क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ग्रीन टी से बना है, एलोवेरा से बना है एंड कुकुम्बर से बना है, तो जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। और ये हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, हाइड्रेट करता है, जितना भी हमारे फेस को बहुत थोरली क्लीन करता है, नरिश करता है, रिपेयर करता है, रिजुनेट करता है हमारी स्किन को, हमारी स्किन को एक रेडियंट से स्किन रेडियंट ग्लो देता है ये। और इसमें कैलोइन एंड बेटनोइट क्लेज है, जो कि हमारे स्किन में जितने भी ऊपर का जो सरफेस में जितना भी ऑयल होता है या जो भी टॉक्सिन होती है इसको ये रिमूव करते हैं और हमारी स्किन को प्योरीफाई बनाते हैं और रिफाइंड कॉम्प्लेक्शन देते हैं। तो ये इसमें ऑलरेडी मेंशन है। और आपको पता ही होगा कि एलोवेरा जो होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, हमारी स्किन का जो कोलेजन है उसको ये बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। और कुकुम्बर जो होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, सूद करता है, क्योंकि इसमें सूदिंग इफेक्ट होता है। लिकोरेज जो होता है वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। ग्रीन टी है इसमें, जो कि हमारे स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती है, जो कि एनवायरमेंटल डैमेज के अगेंस्ट हमारे लिए वर्क करती है। इसमें ओलिव ऑयल है जो हमारे स्किन के मॉइस्चर को बूस्ट करते हैं और हमारे स्किन में फाइन लाइन्स को मिनिमाइज करते हैं, हमारे रिंकल्स को ये कम करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी क्लियर, ब्राइटर, हेल्दियर एंड यंगर लगती है। तो ये सब सिर्फ एक फेस पैक का कमाल है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर खरीदें। एंड चलिए मैं दिखाती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमें हमेशा कभी भी आप लोग फेस पैक यूज़ करते हैं ना, तो हमेशा क्लीन फेस में ही उसको अप्लाई करें। तो इस पे लिखा हुआ है कि हमेशा आप अपने नेक में, हमारे क्लीन फेस में और नेक में इसको अच्छे से स्प्रेड करें, और उसके बाद बस हमें अपनी आईज का जो एरिया होता है ना इसमें नहीं यूज़ करना होता, और उसके बाद 15-20 मिनट्स तक आप अपने फेस में इसको रखें, उसके बाद अपने फेस को वाटर से वॉश कर लें। और इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें इस फेस मास्क को कम से कम 2-3 बार वीक में यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट है। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं हर प्रोडक्ट के बारे में इतना सारा बताने लगी तो। सो गाइज वाओ, सो ये ट्यूब पैकिंग में है, वाओ देख सकते हैं आप इसको, सो जो भी मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फेस मास्क है, इसका मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कैसा है। सॉरी ये बंद है, कभी मैं चाह रही हूँ कि ना इस जो ये जो प्रोडक्ट है इनकी प्रॉपर एक सिंगल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहे और आपको फिर एक हर एक प्रोडक्ट का एक अच्छे से एक प्रोडक्ट रिव्यू मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी, ये मैं तब यूज़ करूंगी जब मुझे इसका सिंगल वीडियो बनाना है, बाकी आप ऐसे देख लीजिए इसका। सो गाइज नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये है बॉडी लोशन, एंड ये मोरक्कन आर्गन ऑयल से बना है गाइज, और ये अल्ट्रा नरिशिंग लोशन है गाइज। आप लोग की स्किन मुझे नहीं पता कैसी होगी, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है, मतलब जब भी मैं नहाती हूँ, चाहे मैं बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ, तो फिर भी मेरी स्किन उतनी ज़्यादा हाइड्रेट नहीं लगती, ये ड्राई लगती है, वाइट कलर का सरफेस यहाँ पे होता है, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा नरिशिंग जो लोशन होता है मैं उसको यूज़ करती हूँ। मुझे जितने भी लाइट लोशन होते हैं वो मेरे पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरी स्किन दोबारा से ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया है। एंड गाइज ये प्रो
बायो एक्टिव स्किन केयर है और ये आपकी स्किन को सूदिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग करेगा। ये भी ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है और इसमें भी ये भी नेचुरल एनपीआर ऑयल से बना है। इसमें सल्फेट नहीं है, नो एनिमल टेस्टिंग, नो मिनरल ऑयल, नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन्स। और इसका जो प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो है 499 एंड ये 200 ml का प्रोडक्ट है गाइस। और इसमें भी लिखा है कि ये आर्गन ऑयल से बना है एंड जिससे ये बना है वो सभी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो आप जब भी इसको खरीदेंगे तो आप देख सकते हैं। और गाइज इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत लाइट लाइट वेट रीडली एब्जॉर्ब लोशन है जो आपकी स्किन के आपकी स्किन को रीस्टोर करेगा, सॉफ्ट करेगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन को ये रेडियंट करेगा, हेल्दी लुकिंग स्किन देगा। ब्लेंडेड वे इसमें शिया बटर है, इसमें कोकम बटर है, विटामिन ई है, हनी है एंड प्योर ऑयल्स है। तो आपको पता ही है कि सारे के सारे नरिशिंग एजेंट होते हैं। और हाँ, अब नेचुरली प्रिजर्व फॉर्मूला और ये नेचुरली प्रिजर्व है जो कि आपके स्किन को एंटीऑक्सीडेंट देगा। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और रेनफोर्स करेगा आपकी स्किन को। जितने भी फ्री रेडिकल डैमेजेस आपको होते हैं बाहर से, जो भी डैमेज आपके होते हैं उससे आपकी स्किन को ये बचाएगा और आपकी स्किन को ये इम्प्रूव करेगा। टेक्सचर और टोन दोनों के दोनों ये इम्प्रूव करेंगे। सो गाइज इसमें जो जो लिखा है वही मैंने आपको पढ़ के बताया। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है लेकिन मैं इसका भी एक सिंगल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसका जो पूरा रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और आपको जरूर बताऊंगी कि मुझे ये लोशन कैसा लगा। सो गाइज जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये, और ये है मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल। तो मैं हेयर ऑयल में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ एंड मुझे लगता है कि आपको भी अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार अपने हेयर को ऑयल करना चाहिए क्योंकि वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी जड़ जो होती है वो मजबूत होती है एंड हमारे जो बाल होते हैं बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो आपके बालों में एक प्रॉपर बाउंसिंग होते हैं, नरिशमेंट होती है, आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं लगते हैं, सिल्की लगते हैं, स्मूथ लगते हैं। तो मुझे इसके लिए ये वाला रेंज लेना था, मोरक्कन आर्गन ऑयल वाला, तो मोरक्कन आर्गन वाला। तो इसीलिए मैंने ये वाला हेयर ऑयल बनाया। ये आपके हेयर को हेल्दी रखेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शाइनी करेगा। ये भी बायो एक्टिव हेयर केयर है। तो इसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है, इसमें जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, भृंगराज है, आंवला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और इसमें एक कॉम एप्लीकेटर के साथ ही आता है कि आप जिससे कि अपने बालों में अच्छे से हेयर ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेम जैसे उन सभी में लिखा था कि ये एक क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, वेगन है, सिलिकॉन्स इसमें नहीं है, बोटैनिकल एक्टिव्स है, इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, नो पैराबेंस, प्योर ऑयल्स इसमें है, नो एडेड कलर्स भी, किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं है। और ये गाइस 699 rupees इसकी MRP है एंड 150 ml का ये प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है गाइस ये किसी भी तरीके से महंगा नहीं है क्योंकि ये इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत सारे नेचुरल ऑयल का ब्लेंडेड फॉर्मूला है जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इसमें विद द गुडनेस ऑफ इसमें ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल है, गोल्डन वर्जिन जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, टी ट्री ऑयल है। तो आप सोचो कि अगर आप इनको सिंगल सिंगल परचेस करते हो ना तो आपको ज़्यादा महंगा लगता है, उसके बजाय आप इसको लीजिए एंड इसमें हर तरीके का ऑयल है विद इसमें और भी है, इसमें एक्सट्रैक्ट है आंवला के, भृंगराज, शिकाकाई, ब्राह्मी एंड अश्वगंधा। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी होती है हमारे हेयर के लिए, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है कि ये इन सभी चीज़ों का एक सिंगल ब्लेंड फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसीलिए ये प्रोडक्ट थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगेगा, पर आप देख सकते हैं कि सारी अच्छी चीज़ें इसमें एक साथ हैं। अगर आप इसको सिंगल सिंगल परचेस करते हैं तो वो आपको ज़्यादा महंगी पड़ती है और आपको नहीं पता होता कितने कितने रेशियो में आपको इसको मिक्स करना है। तो इसमें एक प्रॉपर रेशियो है इन सभी चीज़ों का। तो और ये मैंने बताया ना आपको, ये पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और मिनरल ऑयल इसमें नहीं है और ये सारे हेयर टाइप वालों के लिए है, तो ये बेस्ट है। और ये इसलिए 699 का है। इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 11/2023 है, तो आई थिंक ये तब तक चल जाएगा एंड आप देख सकते हैं। तो मैं इसका भी एक सिंगल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे ये ऑयल कैसा लगा क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस हेयर ऑयल को यूज़ किया ही नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे वो ये हैं। तो टोटल 5 products थे इसमें एंड ये है कोकोनट बैम्बू हेयर शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर। तो ये दोनों भी अभी मैंने ओपन नहीं किए हैं एंड इसमें पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो शैम्पू है इसके नेचुरल ऑयल से बना है, इसमें कोकोनट है और बैम्बू है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखेगा, आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे एंड इसलिए SLS एंड पैराबिन फ्री है।
ये बायो एक्टिव हेयर केयर रेंज है, इसमें इसमें भी वर्जिन कोकोनट ऑयल है, बैम्बू एक्सट्रैक्ट है, लेमन है, ऑरेंज ऑयल है, शिया बटर है, सोया प्रोटीन है, एलोवेरा है, हनी है, जो आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा, आपकी स्किन अपने आपके बालों में हाइड्रेट करेगा आपको, और आपके बालों को थोड़ा थिक करेगा, यू नो फुलर लुकिंग हेयर आपको मिलेगा। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सारे के सारे मेंशन है, जैसे कि इसके सारे प्रोडक्ट में थे अभी तक। एंड गाइज, सो गाइज, ये नेचुरल ऑयल से बना है, कोकोनट ऑयल से बना है, बैम्बू है इसमें, शिया बटर है, जो कि आपके बालों को नेचुरली यू नो सॉफ्ट करेंगे, और इसमें नेचुरल एंड नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स है, जिसकी वजह से आपका हेयर टेक्सचर जो है वो फ्रिज फ्री रहेगा, और आपके बालों को एक बाउंसी एंड शाइनी हेयर ये प्रोवाइड करेगा। और गाइज, ये शैम्पू आपके बालों का जो नेचुरल यू नो एक शाइनी आपके बाल होते हैं उसको ये रीस्टोर करेगा, आपके बालों को ये स्मूथ एंड शाइनी बनाएगा, ठीक है। इसमें बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों को कंप्लीट नरिशमेंट देंगे, और आपके बालों के टेक्सचर को ये इम्प्रूव करेंगे। रेगुलर यूज़ से ये आपके बाल को सॉफ्ट करेगा गाइस, और अगर आपके बाल ख़राब है या डैमेज है तो आपकी स्कैल्प की जो हेल्थ है उसको भी ये यू नो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये बहुत इट इज़ अ अल्टीमेट सॉल्यूशन टू फ्लॉन्ट गॉर्जियस हेयर, तो इसमें ये लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। इसको कैसे यूज़ करना मैं आपको बता देती हूँ। आपको जब भी आप अपने आपको नॉर्मली जैसे भी आप अपना शैम्पू यूज़ करते हैं, आपको बिल्कुल इसको वैसे करना है, अपने बालों को गीला करना है। उसके बाद आपको इसमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन लेना है शैम्पू का, आपके बालों को में अच्छे से आपको मसाज करना है, आपके स्कैल्प में मसाज करना है। उसके बाद आपको ये यू नो उसके बाद दोबारा आपको अपने बालों को वॉश करना है। तो जैसे आप नॉर्मली अपने बालों को वॉश करते हैं, आपको वैसे ही वॉश करना है, ठीक है। तो गाइज, इसको हमेशा कूल प्लेस में रखें, आपको धूप में डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है, और गर्मी से इसे थोड़ा दूर रखना है। तो हमेशा इसको यू नो अपने बाथरूम में आप रखेंगे तो एकदम यू नो हमारे बाथरूम में एक स्पेस होता है जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आती है, तो आप उस एरिया में ना रखें, बल्कि इसे छाया वाली स्पेस में रखें जहाँ पर आपके बिल्कुल भी यू नो सनलाइट आती ही ना हो, ठीक है। और ये बच्चों के लिए नहीं है। तो ये 300 ml का प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 599। तो आई होप जिस तरीके का प्राइस एंड जिस तरीके का इसमें इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन है, ये मेरे बालों पे वर्क करेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरीके के शैम्पू को नहीं यूज़ किया, मैंने कभी भी सेंट बोटैनिका का कोई भी प्रोडक्ट आज तक यूज़ किया ही नहीं है। तो मैं इसका भी प्रॉपर यूज़ करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मुझे ये पर्सनली कैसा लगा, मेरे बालों पर कैसा वर्क कर रहा है। एज इट इज़ ये इसका एक कंडीशनर है, सेम कोकोनट एंड बैम्बू कंडीशनर, तो इसमें भी वही चीज़ है जो इसमें है ऑलरेडी। एंड ये नॉर्मली इसमें हर चीज़ वही लिखी है कि अगर आपके बालों डल एंड ड्राई हो गए हैं तो ये आपके बालों को ब्यूटीफुल एंड हाइड्रेट लुक देगा। और पहले आपको इसे कोकोनट एंड बैम्बू जो शैम्पू है आपको उसे यूज़ करना है, उसके बाद आपको इस कंडीशनर को यूज़ करना है ताकि आपके बाल ड्राई ना हो, आपके बाल मॉइस्चराइज रहें, और ये नेचुरली आपके बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा एंड मैनेजेबल करेगा, ठीक है। इसमें विटामिन ई है, प्रो विटामिन B5 है, ओट्स प्रोटीन है, जो कि आपके बालों को नरिशमेंट देगा, आपके बालों के लस्टर को ये इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और नेचुरल एक्सट्रैक्ट होने की वजह से, एलोवेरा एंड शिया बटर की वजह से, ये आपके बालों को रिजुनेट एंड रिस्टोर करेगा। तो ये कंडीशनर जो है आपके टिप्स को भी बहुत अच्छे से, जैसे आपके स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे तो उसको ये कम करेगा, ठीक है, और आपके बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज एंड लस्टरस बनाएगा। तो यही इसमें जो जो प्रोडक्ट्स जो जो इंग्रेडिएंट्स से बना है, सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि बाकी सभी में थे। ये भी 300 ml का प्रोडक्ट है जिसका प्राइस जो है 549 है, एंड इसमें भी वो टैग्स हैं कि ये प्योर एक्सट्रैक्ट से बना है, बोटानिकल एक्टिव से है, इसके अंदर प्योर ऑयल से बना है, पैराबिन और मिनरल इसमें नहीं है। तो ये भी आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कंडीशनर, तो मैं इस पहले से यूज़ करूँगी, फिर आप लोग के साथ इसको शेयर। सो गाइस, मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आपको पूरा यू नो ब्रीफ में इसको बताऊं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं चाहती हूँ कि इन सभी प्रोडक्ट का मैं एक सिंगल रिव्यू वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन वो मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगी ताकि वो इतना लंबा ना हो। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पहले मैं इसका जो रिव्यू है वो शेयर करूंगी। और अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो मैं इन सभी प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके भी इसको खरीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ज़रूर करें, और बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।